इंपीरियल फिल्म कंपनी, जिसने भारतीय फिल्मों को आवाज दी और बनाई भारत की पहली सवाक फिल्म आलमारा। इस स्टूडियो के संस्थापक थे आर्देशिर ईरानी, जिन्हें भारत की कई फर्स्ट्स का श्रेय दिया जाता है। पहली भारतीय टॉकी के अलावा उन्होंने पहली भारतीय इंग्लिश फिल्म बनाई, पहली पर्शियन साउंड फिल्म बनाई और भारत की पहली कलर फिल्म किसान कन्या भी बनाई। आर्देशिर ईरानी का जन्म 5 दिसंबर 1886 में पुणे के एक पारसी परिवार में हुआ था। जे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने पढ़ाई की, थोड़े समय के लिए टीचर भी रहे और कैरोसिन इंस्पेक्टर भी। फिर वो अपने पिता का फोनोग्राफिक इक्विपमेंट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस संभालने लगे, मगर जल्दी ही उन्हें ये एहसास हो गया कि ये काम उनके लिए नहीं बना है, बल्कि उनकी रुचि सिनेमा में है। और फिर उन्होंने बिजनेसमैन और एग्जीबिटर अब्दुल अली यूसुफ अली के साथ साझेदारी में टेंट सिनेमा में फिल्में दिखाना शुरू किया। यूनिवर्सल स्टूडियो आर्देशिर ईरानी का आइडियल स्टूडियो था और 1905 में वो यूनिवर्सल स्टूडियो के भारतीय रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। वो अपने इंपीरियल स्टूडियो को भी उसी मकाम पर ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय भाषाओं के अलावा कई विदेशी भाषाओं में भी फिल्में बनाई ताकि उनका स्टूडियो दुनिया भर में पहचाना जाए। 1914 में उन्होंने अब्दुल अली यूसुफ अली के साथ मिलकर बॉम्बे का अलेक्जेंडर थिएटर खरीदा, जिसमें वो हिंदी और अंग्रेजी की फिल्में दिखाते थे। 1920 में आर्देशिर ईरानी ने अपना पहला स्टूडियो स्थापित किया, स्टार फिल्म्स लिमिटेड, जिसमें उनके साथ पार्टनर थे भोगीलाल दवे, जिन्होंने न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फोटोग्राफी से स्नातक किया था और जो पहले दादा साहब फाल्के की हिंदुस्तान फिल्म कंपनी से भी जुड़े रहे थे। स्टार फिल्म्स लिमिटेड की पहली फिल्म वीर अभिमन्यु आई 1922 में। इस साइलेंट फिल्म से आर्देशिर ईरानी ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा। स्टार फिल्म्स के बैनर तले करीब 17 कामयाब फिल्में आई, जिनके निर्देशक थे आर्देशिर ईरानी और कैमरामैन थे भोगीलाल दवे। फिर दोनों अलग हो गए और आर्देशिर ईरानी ने पहले मैजेस्टिक फिल्म कंपनी बनाई। फिर 1926 में उन्होंने इंपीरियल फिल्म कंपनी की स्थापना की, जिसके बैनर तले बनी पहली बोलती फिल्म आलमारा। आलमारा में हीरो के रोल के लिए पहले महबूब खान को चुना गया था, मगर बाद में सोचा गया कि पहली बोलती फिल्म में किसी बड़े स्टार को लेना ज्यादा सही होगा और इसीलिए साइलेंट फिल्मों के स्टंट स्टार मास्टर विट्ठल इस फिल्म के हीरो बने, जुबैदा हीरोइन और पृथ्वीराज कपूर विलेन। इनके अलावा इस फिल्म में एलवी प्रसाद ने भी अभिनय किया था, जो बाद में साउथ के मूवी मुगल कहलाए। उस समय ये फिल्म करीब 40,000 रुपए में बनकर तैयार हुई थी और इसका इतना क्रेज था कि चार आने की टिकट 5 रुपए में बिकी थी। इस तरह कह सकते हैं कि ब्लैक में टिकट मिलने की शुरुआत आलमारा से ही हुई थी। आलमारा के बारे में ज्यादा जानना चाहें तो उस पर जो वीडियो अलग से बनाया गया आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 8 साल में करीब 120 टॉकी बनाने वाले आर्देशिर ईरानी शायद दुनिया के अकेले ऐसे फिल्म मेकर होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा भाषाओं में फिल्में बनाई। बंगाली, मराठी, तमिल, उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं के अलावा इंग्लिश, पर्शियन, बर्मीज, इंडोनेशियन और पश्तो में भी उन्होंने फिल्में बनाई। बर्मा, इंडोनेशिया और ईरान में टॉकीज लॉन्च करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इंपीरियल फिल्म्स के बैनर तले आर्देशिर ईरानी ने 62 फिल्में बनाई, जिनमें पहली भारतीय इंग्लिश फिल्म नूरजहां के अलावा पहली भारतीय कलर फिल्म किसान कन्या भी शामिल है। आर्देशिर ईरानी पहले फिल्म मेकर थे जिन्होंने सिने कलर टेक्नोलॉजी पर आधारित कलर लेबोरेटरी स्थापित की। उनकी फिल्म कंपनी इंपीरियल फिल्म्स को कई नई प्रतिभाओं को मौका देने का श्रेय भी जाता है, जिनमें पृथ्वीराज कपूर और महबूब खान जैसे नाम शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म थी पुजारी, जो 1945 में आई थी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सिनेमेटोग्राफर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एंड पायनियर ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सिनेमा आर्देशिर ईरानी। 14 अक्टूबर 1969 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। भारतीय सिने इतिहास में फादर ऑफ इंडियन टॉकी के रूप में आर्देशिर ईरानी और तकनीकी स्तर पर कई प्रयोग करने के लिए उनकी इंपीरियल फिल्म कंपनी हमेशा याद किए जाते रहेंगे।